हाय, मैं हूँ प्राची तैलान और दिया बाती में आरजू के किरदार आरजू का किरदार निभाने के बाद अब आप मुझे स्टार प्लस के नए शो 51 में देखेंगे। और 51 में मैं सुशील का किरदार निभाने वाली हूँ। शो का नाम 51 इसलिए है क्योंकि सुशील जो है वो अपने ख़ानदान की 51वीं संतान है। और जो यूनिकनेस है शो के बारे में वो यही है कि सुशील को उसके चार पिताओं ने पाला है, जो कि हैं उसके पापा, चाचा, मापा और दादा। पापा को वो प्यार से मापा बुलाती है क्योंकि बचपन से ही माँ का और पिता का और माँ का प्यार, दोनों का प्यार पापा ने दिया है। बचपन में सुशील की जो माँ है वो उसको पैदा करने के बाद उनका देहांत हो गया था, इस वजह से फैमिली में, सुशील की फैमिली में कोई भी औरत नहीं है। और यही कारण है कि सुशील भी में बिल्कुल लड़की, सुशील जो है वो बिल्कुल भी लड़की जैसी नहीं है। जो आप देखेंगे, जो अभी मेरा जो पहनावा है, वो बिल्कुल भी लड़कियों जैसा नहीं है। लूज़ लूज़ पैंट्स, स्पोर्ट शूज़, हाथ में लड़कों वाली घड़ी, लूज़ लूज़ बाल, कॉलर वाली टी शर्ट, बिल्कुल जैसे जो हमारे जो कैमरामैन है जो उन्होंने पहना हुआ है, बिल्कुल मैं वैसी लग रही हूँ। और ये इसका कारण ये है कि फैमिली में कोई औरत नहीं थी। और सुशील दिखने में तो सुशील बिल्कुल भी नहीं है और उसकी हरकतें भी सुशील जैसी नहीं हैं। उसको चाय बनाना पसंद नहीं है, बट अगर उसको पंचा लड़ाना हो तो उसमें जीतेगी। जन्माष्टमी में मटकी फोड़ कॉम्पिटिशन में वो हमेशा फर्स्ट आएगी। तो ये सब है, स्पोर्ट्स में हमेशा नंबर वन रहेगी। इस वजह से वो बाकी टीवी की जो बेटियां बहुएं होती हैं उनसे बिल्कुल अलग हटके होने वाली है। और जो एक अकेला जो मैसेज है जो सुशील देती है सारी ऑडियंस को, सारी लड़कियों को, वो यही है कि आप जैसे हो, क्योंकि सुशील बहुत लंबी है, वो अपने आप से प्यार करती है। और वैसे ही सभी लड़कियों को अपने आप से प्यार करना चाहिए क्योंकि हर एक इंसान में एक यूनिक क्वालिटी होती है। उसको आप समझिए कि आप में यूनिकनेस क्या है, आपकी पर्सनालिटी में यूनिक क्वालिटी क्या है, उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए और अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए। अपने आप से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, आखिरी बार आपने मुझे दिया और बाती हमें आरजू के किरदार में देखा था और सेम चैनल स्टार प्लस पे अब आप मुझे नए किरदार सुशील के किरदार में देखेंगे, नए शो 51 में, जो कि बहुत जल्द 13 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम के 8:30 बजे स्टार प्लस पे ही। और हम बहुत ही अच्छी जगह मंदिर में खड़े हैं अभी, तो इनका आशीर्वाद देकर करते हैं शुरुआत। चलिए प्राची, आप क्या करने वाली, क्या दिखाने वाली है आज हमें, क्या सैर होने वाला है? तो आज मैं दिखाऊंगी, आज आपको मैं सैर कराऊंगी सुशील के घर की पहली बार। एक्चुअल में ये भी मुझे मेंशन करना चाहिए कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो इंटरव्यू है जिसमें मैं अपना घर रिवील करने वाली हूँ। तो चलिए आज मैं आपको सुशील का, पारिक फैमिली का घर दिखाती हूँ। चलिए सुशील के घर। ये है सुशील के पारिक फैमिली का हमारा ड्राइंग रूम। यहाँ पर अभी डाइनिंग टेबल होती है जो कि फ़िलहाल नहीं है, बट ये रहा सोफ़ा और थोड़ा सा पुराना घर है, पर बहुत अच्छा है। छोटी छोटी एंटीक चीज़ें, बिल्कुल गुजराती टच इसका। मुझे सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, स्पेशली ये जो आप मोर देखेंगे ना, जिसमें छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए हैं। सो इसको देखकर मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं भी शायद कभी ऐसी पेंटिंग अपने घर में करना पसंद करूँगी। हाँ, कन्हैया जी की तस्वीर है, बहुत ही प्यारी सी, योगा कर रहे हैं वो आँखें बंद करके। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलेंगी आपको मेरे घर में। ये बुक्स कलेक्शन, एजुकेटेड फैमिली, लॉ की काफ़ी सारी बुक्स हैं, मैनेजमेंट की काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पर। बट यहाँ पे आपको अलग सा सोफ़ा दिखेगा, बिल्कुल अलग, ऊपर से कवर्ड है,
और अभी ना इस पे छाते लगे नहीं हुए, क्योंकि जब इनिशियली दिखाया था तो यहाँ पे बड़े सारे सुंदर सुंदर बड़े सारे सुंदर सुंदर छाते भी लगे हुए थे जो इसको और ज़्यादा सुंदर बनाते थे। यहाँ पर बैठकर मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत हंसी हूँ, मैंने बहुत चोटों पे, मैंने ये देखो अभी भी चोट लगी हुई है, तो बहुत चोटों की मेरी मलहम लगे हैं यहाँ पे बैठकर, ओल्ड मेमोरीज़। चलो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। अच्छा पहले किचन दिखाती हूँ। चलिए किचन देखी जाए। हालांकि पारिक परिवार ज़्यादा अमीर परिवार नहीं है, इसलिए हमारा छोटा सा ही घर है। तो ये है हमारी किचन, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज अभी लग रही है, पर नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि सुशील को चार पिताओं ने पाला है, और जहाँ पे मर्द हो और जहाँ पे सुशील जैसी बेटी हो जिसको घर का फैमिली का कोई काम नहीं आता, वहाँ पे इतने ऑर्गेनाइज तो कुछ भी नहीं होता। तो अभी सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए। सीरियल में कितना आपने यहाँ बताने की कोशिश की है या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश? मेरी एक फूईबा हैं जो मुझे, वो हमेशा चाहती हैं कि मैं घर का काम करूँ और खाना पकाऊँ, तो वो चाहती हैं कि मैं हमेशा किचन में रहूं और उनके लिए कभी हलवा बनाऊं कभी कुछ बनाऊं, तो यहाँ पे बहुत मचांड फैलाती हूँ मैं नॉर्मली। और कभी कभी कोई कुछ मांगता है तो चाय मांगी जैसे दादाजी ने, तो सुशील इतनी लॉस्ट रहती है कि खाली कप उठाकर दादाजी को दे आती है, तो बहुत गूफी है। बट सुशील कुछ नहीं बना सकती, उसको कुछ नहीं बनाना आता, वो बिल्कुल टिपिकल बेटी बहू से बहुत अलग है और कुछ नहीं बनाना आता। सो प्लीज़ कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि सुशील आप लोगों को कुछ बना के खिलाएगी। प्राची को भी दो तीन चीज़ें ही आती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना लेती है प्राची, चाय बना लेती है, और सब्ज़ी और चावल वगैरह, चावल तो उसको बिल्कुल भी नहीं बनाने आते, सैंडविचेस बना सकती है, मैगी भी। चलिए अब मैं आपको अपना दिखाती हूँ रूम, आइए। अभी ये छोटी सी गैलरी है जो मेरी घर की तरफ जाती है, यहाँ पर भी आप देखेंगे बिल्कुल गुजराती टच की पेंटिंग्स हैं दीवारों पर, और ये एंटीक्स हैं काफ़ी भारी भारी, बहुत ही सुंदर पुराने ज़माने के। ये छोटे छोटे लैम्प्स भी हैं यहाँ पे, जो अभी जिसका शीशा टूटा हुआ है। पारिक फैमिली अभी गरीब फैमिली है तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि हम देख सकते हैं पूरा गुजराती टच हर जगह ही आप देख सकते हैं ऊपर। हाँ जी, प्राची कितना गुजराती कल्चर से वाकिफ है? मैं एक मेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस गुजरात के साथ, स्पेशली सिटी का मेंशन करूँ तो गांधीनगर के साथ मेरी बहुत स्पेशल मेमोरीज़ हैं। दो साल जो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन टीम की कैप्टन बनी थी, उससे पहले जो हमारा इंडियन कैंप लगा था, नेशनल कैंप लगा था, वो गांधीनगर गुजरात में ही लगा था। तो मैं दो साल अपनी लाइफ के गुजरात में रही हूँ, गुजरात के लोगों के साथ रही हूँ। बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही अमेजिंग खाना है। स्पेशली मोस्टली जो खाना होता है वो बेसन से बना होता है, येलो कलर का होता है, खांडवी ढोकला, बहुत ही टेस्टी। और यही मेरी मेमोरीज़ रही हैं, और जब भी मैं गुजरात जाती हूँ तो मेरा मन ज़रूर करता है कि मैं एक बार गांधीनगर ज़रूर होकर आऊँ, क्योंकि गांधीनगर अगर स्पेशली मेंशन किया जाए तो बहुत ही नीट क्लीन और बहुत ही अच्छी जगह है। तो गुजरात के साथ बहुत स्पेशल मेमोरीज़ हैं मेरी प्राची की। हाँ, ये सेम पेंटिंग था जो हमने पीछे देखी थी, सेम गुजराती टच की, ये खिड़कियों पर ये छोटे छोटे, ये अब सारे पिता हैं मर्द हैं तो घर की डेकोरेशन भी थोड़ी उसी हिसाब से है, सिंपल। और ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है यहाँ पर, जो कि क्लॉथ से बनी हुई है, जिसपे छोटे छोटे हैंडमेड है और इस पर चार एलिफेंट्स बने हुए हैं बिल्कुल गुजराती स्टाइल में। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। चलिए रूम दिखाती हूँ। अभी हम खड़े हैं मेरे घर के सबसे फेवरेट पार्ट के सामने, अभी जल्दी से खुल गया, मेरे रूम के सामने। तो आइए, नेचुरल था। हाँ,
अभी हम लोग खड़े हैं मेरे घर के फेवरेट प्लेस जो मेरी है, मेरे रूम के सामने. तो आइए देखते हैं सुशील का रूम. कैसा लगा? है ना अच्छा सा, प्यारा सा, सिंपल सा, कि चार मर्दों ने सजाया होगा. कोई फेमिनिन टच नहीं है इसमें. पिंक पाया जाता है, यहाँ पे ब्लू है. क्योंकि सुशील बिल्कुल लड़कियों जैसी नहीं है, इस वजह से रूम का जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा मैनली है. ब्लू है, ब्लू जो एक सिंबल होता है कि लड़कों का फेवरेट कलर होता है. पिंक आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे देखने में. इसमें जो आप जो बेडशीट है उसमें भी देखो, पूरी विंटेज कार बनी हुई है. तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि सुशील का जो इंटरेस्ट है वो किन चीज़ों में है. लैम्प देखो, हमेशा ऐसे टेढ़ा रहता है, ये कभी सीधा नहीं हुआ. क्योंकि और अभी फ़िलहाल रूम बहुत साफ़ सुथरा है. ऐसा नॉर्मली सुशील का रूम बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से उसको बहुत डांट भी पड़ती है. वैसे फ़िलहाल ये रूम बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है आपको, बट नॉर्मली नहीं होता. सुशील क्योंकि बिल्कुल लड़कों की तरह पाला है सुशील को उसके चार पिताओं ने, तो उसको हमेशा डांट पड़ती रहती है. और ऐसा इतना साफ़ सुथरा अभी नहीं रहता, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है. उनके उन नॉर्मल लड़कियों के कितने लिपस्टिक और मेकअप का सामान यहाँ पर पाया जाता है. यहाँ पे सिंपल एक डीओ मिलेगा आपको, और ये पता नहीं एक दो चीज़ें. अब सुशील को वो भी नहीं पता होगा कि क्या है, और मुझे नहीं लगता कि सुशील कभी यहाँ पे बैठी होगी. आज तक तो मेरा सीन हुआ नहीं यहाँ पर बैठकर. अब हाँ, जो प्राची और सुशील दोनों का फेवरेट पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ. सुशील और प्राची की लाइफ में जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है, उनका इंटरेस्ट फॉर स्पोर्ट्स. प्राची बास्केटबॉल नेटबॉल प्लेयर रही है, और सुशील भी आगे जाके स्पोर्ट्स पर्सन बनेगी. तो सुशील का इंटरेस्ट भी बहुत है. अगर कभी मटकी फोड़ कंपटीशन होता है तो उसमें वो हर साल ट्रॉफी जीत कर लाती है. कभी कॉलेज में बास्केटबॉल कंपटीशन होता है तो वो हर लड़के की टीम को हरा कर सबसे नंबर वन आती है. तो ये है कलेक्शन उसकी ट्रॉफीज़ की. यहाँ पे सारी ट्रॉफीज़ सुशील ने की जो जीती हुई हैं मटकी फोड़ कंपटीशन में, बास्केटबॉल कंपटीशन में. नॉर्मली जो सब लड़कों की होती है, लड़के जीतते हैं इन सब चीज़ों में कंपटीशन. लड़कियां मोस्टली पार्टिसिपेट करती हैं पेंटिंग कंपटीशन में, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, बट सुशील का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. डांस पर अच्छा करती है सुशील, बट थोड़ा स्पोर्टी टच. अच्छा, सुशील और प्राची दोनों की ही रुचि है स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल में. और प्राची के घर में इससे 10 times ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, और पूरा इतना बड़ा रैक प्राची के घर में ट्रॉफीज़ का भरा हुआ है. बट सुशील अभी ऑन द वे है, प्रॉब्ली एक दो साल में उसकी भी ट्रॉफीज़ बढ़ जाएंगी. और उनका दोनों का ही स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है उन दोनों की, और सुशील भी हमेशा बास्केटबॉल में फर्स्ट आती है ट्रॉफीज़. ये है हमारे घर का तो नहीं बोलूँगी, बट बरामदा है. और यहाँ पे हम सब नहीं, मेरे चार पिता और उनके साथ मैं, उनकी प्यारी बेटी सुशील, हम बैठ के काफ़ी गप्पे शप्पे मारते हैं. ये देखो, इसका अनफॉर्चुनेटली इसका कलर पिंक भी है, जो कि मेरी फैमिली से तो बिल्कुल मैच नहीं करता. और यहाँ पर मेनली दादा और मापा बैठते हैं. यहाँ पर मापा बैठते हैं. आइए पीछे. सो ये अचार की बोतलें देख रहे हो, गुजरात में अचार बहुत ज़्यादा फेमस है. और ये सारे स्कल्पचर्स, छोटी छोटी ये एंटीक चीज़ें, बहुत ही सुंदर. सारी लेडीज़ को जिसको घर की डेकोरेशन करना पसंद है, ये देखिए, बहुत ही अच्छा, सुंदर और अट्रैक्टिव ये है.
जैसा कि आपने देखा कि मेरे जो शो का जो बैकड्रॉप है वो गुजरात का है, तो जिन्हें भी जो भी व्यूअर्स हैं, बेशक गुजरात के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जहाँ के भी हैं, अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पसंद आई हो, ये कलर्स पसंद आए हो, गुजराती सामान जो हमारे घरों में यूज़ हुआ है वो पसंद आया हो, तो इसको ज़रूर खरीदिए। तो कैसा लगा आपको सुशील का घर? अच्छा ना। अब ऐसा ही होता है जब चार पिताओं ने पाला है और अब जो लड़की है वो बिल्कुल लड़कों जैसी है, तो उनका घर तो आपको ऐसा ही मिलेगा, थोड़ा रॉ, थोड़ा सिंपल। तो अभी आपने देखा सुशील का घर, पारिक फैमिली का घर, और हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से मिलने आ रहे हैं 13 नवंबर से आपके अपने चैनल स्टार प्लस पे शाम को 8:30 बजे। देखना मत भूलिए 51।